ये मंदिर है, यहाँ पे भी हम होके आए थे इधर की साइड पे। देखो ये लगा हुआ पूरा नंदा देवी मेला है, जो रात को इस वाले की लाइट नहीं जली, शायद बारिश की वजह से खराब हो चुकी है। और बाकी ये देखो। सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मुकुल सिंगोरा एक हेमंत ब्रो। सो कैसे हैं आप सब? आप सारे बड़े होंगे, मैं बहुत बढ़िया हूँ एज यू कैन सी। सो गाइस, आज का जो ब्लॉग है ये ट्रिप ब्लॉग होने वाला है, और मैं बता दूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। सो गाइस, मैं जा रहा हूँ नैनीताल। और नैनीताल लास्ट टाइम बता दूँ मैं कब गया था, जब मतलब ट्रिप मारना मैंने स्टार्ट करा था, ट्रिप या ट्रैकिंग एडवेंचर सब स्टार्ट करा था मैं 2015-16 के आसपास। मैं दोस्तों के साथ गया था फर्स्ट टाइम नैनीताल, तो फिर उसके बाद फैमिली के साथ गया था मैं। तो गाइज अब उसके बाद मैं अब जा रहा हूँ नैनीताल। और गाइज सो गाइज ये नैनीताल वाला जो ये प्लान है एकदम सडन प्लान बना हुआ था। तो नहीं तो मैं यहाँ से सीधा निकलता पंचकेदार के लिए, रुद्रनाथ निकलता, क्योंकि लास्ट टाइम मैं मधुमेश्वर गया था, उसके बाद ये हमारा चौथा केदार होता रुद्रनाथ, पंचकेदार में से चौथा केदार होता, तो सही हमारा था। तो बट एकदम सडन प्लान बन गया, तो नैनीताल जा रहा हूँ, उसके बाद मैं रुद्रनाथ का कम्प्लीट करूँगा। नहीं तो सबसे पहले मेरा प्लान था कि पहले पूरे पंचकेदार, उसके बाद जो होंगे बाकी तब करता। सो गाइज बातें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, तो गाइज अभी मैं बता दिया मैंने आपको कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सो गाइज चलते हैं, निकलते हैं। और बाकी देखो बैग मेरा पूरा रेडी हो चुका है, और निकलते हैं यहाँ से, 9 बजे की मेरी बस है। सो चलते हैं गाइस, लेट्स गो। और बाकी बीच में अपडेट देता रहूँगा। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, लेट्स गो। सो गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ ये सी। सो निकलते हैं, मम्मी पापा का पैर छूते हैं। सो लेट्स गो, पैर छू लेता हूँ। ठीक है, चलो चलो अम्मा, बाय बाय, मिलूंगा कुछ दिन बाद। उसके बाद वहाँ से बस से मैं निकल जाऊंगा, तो अब सीधा आगे आ गया हूँ, तो पापा छोड़ रहे हैं, चलते हैं। ठीक है, बाय बाय। सफरनामा गाइस, ये है मेरी बस, और ये भी 9 बजे तक चलेगी, चालू होगी। सो देखते हैं अभी टाइम है। सफरनामा शुरू तुमसे। सो गाइस फाइनली बस चालू हो गई है, और मैं दिखा देता हूं आपको। तुम पे सफरनामा, ऐसे वीडियो में शॉर्ट्स में देता रहूंगा जो अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। तो बाकी मिलते हैं अभी।
few moments later. So, फिलहाल गाइस रूम देखो अभी कुछ ऐसा है, ये अभी इमरजेंसी में क्योंकि रूम ना मिल नहीं रहे हैं, बहुत मुश्किल से रूम मिल रहे हैं। अभी यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, फिर कल नीचे जाएंगे, नीचे वाला रूम हमें ढंग से मिल जाएगा। बाकी अभी ये है, ये टेम्परेरी है थोड़ा सा, ये देखो। तो अभी यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और फिर यहाँ से ये बालकनी है, इससे कुछ पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा। ये देखो यहाँ से पानी बह रहा है पूरा। तो भाई जैसे कि मैंने आपको रूम दिखा दिया है, अभी बड़ी मुश्किल से मिला है वाले भी, क्योंकि सारे घर रहे, क्योंकि दो तीन दिन की छुट्टी है ना, सैटरडे संडे मंडे ऐसा। तो भाई अभी मैंने नीचे आएंगे मालूम है, वहाँ पे मतलब मेला लगा हुआ है, नंदा सुनंदा देवी उनका कुछ मेला लगा हुआ है। कितने टाइम से लगा हुआ है? 9 तारीख से लगा हुआ, आज लास्ट है और कल निकलेगा उसकी झांकी 15 तारीख को। तो अभी वो जाते हैं देखने के लिए और देखते हैं कैसे कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो रेस्ट करना है, मैं दिल्ली से पहले हल्द्वानी गया, 5 घंटे हल्द्वानी, फिर वहाँ से सीधा नैनीताल सुखी में थक गया हूँ। वो खत्म हो जाए, वो बंद ना हो जाए, इसलिए हम पहले वहाँ जाते हैं, उसके बाद वापस आएंगे यहाँ पे। तो स्टेट इन जाइए भगवती महा।
जैसे कि आपने देखा होगा अभी मंदिर के अंदर गए थे, नंदा से नंदा देवी मंदिर के अंदर, तो काफ़ी अच्छा था, अच्छा लगा, काफ़ी थकान जितनी हो रही सारी हट गई। और अभी क्या बोलते हैं इसको, ठंडी सड़क, सॉरी ये ठंडी सड़क है, पीछे इधर की साइड से हम यहाँ से इधर मंदिर है, यहाँ से घूमते हुए इधर की साइड से आए और तो अच्छा लग रहा है ना यहाँ का व्यू। जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया होगा, एक बार और दिखाया तो ये देखो पूरा हम इधर की साइड पर खड़े हो रखे हैं, ये पूरा बोटिंग का है यहाँ पे, और ये सामने का व्यू इधर, ये मंदिर है, यहाँ पे भी हम होके आए थे इधर की साइड पे। तो गाइस काफ़ी अच्छा लगा, और जब मैं स्कूटी से ज़्यादा ठंड सी लग रही थी, अब यहाँ पे आ रहे तो मतलब नॉर्मल लग रहा है, इतना नहीं है। सो अब यहाँ से चलते हैं, कुछ खाना पीना भी है क्योंकि भूख लग रही है बहुत। सो देखो ये लगा हुआ पूरा नंदा देवी मेला है, जो रात को इस वाले की लाइट नहीं जली, शायद बारिश की वजह से खराब हो चुके हैं। और बाकी ये देखो एक आधे झूलों की ना लाइट नहीं चली हो क्योंकि बारिश की वजह से शायद खराब हो गई, क्योंकि दो तीन दिन तक यहाँ पे बारिश हुई थी ना, इसलिए